दोस्तों, अगर आप एक माइनर हैं यानी आपकी एज जो है 18 साल से कम है, या फिर गाइज आप एक पेरेंट्स और अपने बच्चे का ऑनलाइन सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और गाइज आप परेशान हैं कि हम जो है किस बैंक में अकाउंट खुलवाएं, कैसे अकाउंट खुलवाएं, दोस्तों अगर आप परेशान हैं कि कौन सी बैंक माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने की फैसिलिटी देती है, तो फाइनली गाइज आप IDBI बैंक के पास जा सकते हैं। आप IDBI बैंक में घर बैठे ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि आप किस प्रकार से IDBI बैंक में माइनर के लिए ऑनलाइन अकाउंट ओपन करेंगे। साथ में गाइज ये भी बताया है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको यहाँ पे कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है, और गाइज जैसे ही आपकी अकाउंट ओपन हो जाती है तो यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या क्या मिलती है। दोस्तों, अगर बेनिफिट के बारे में बात करें तो IDBI बैंक में माइनर के लिए अकाउंट ओपन करते हैं तो IDBI बैंक माइनर के लिए यहाँ पे आपको डेबिट कार्ड, चेकबुक और पासबुक की फैसिलिटी देती है। गाइज आपके एड्रेस पे डेबिट कार्ड और चेकबुक जो है बाई पोस्ट होम डिलीवर कर दिया जाता है, और गाइज जो पासबुक है उसे आप ब्रांच से ले सकते हैं। साथ में गाइज यहाँ पे IDBI बैंक ने माइनर के लिए इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के साथ साथ UPI की भी फैसिलिटी देती है। यानी कि गाइज माइनर जो है वे फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सारी ऐप को बहुत ही आसानी से यूज कर सकते हैं। साथ में गाइज इस अकाउंट के साथ आपको RTGS, IMPS, NEFT पेमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। साथ में गाइज इस अकाउंट के साथ आपको फ्री SMS अलर्ट और ईमेल स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा और भी काफी सारी बेनिफिट आपको इस अकाउंट के साथ देखने को मिलती है, जो कि आगे इस वीडियो में हमने आपको बताया है। अब गाइज हम बात करते हैं कि आप IDBI बैंक में घर बैठे किस प्रकार से अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि गाइज आप अपने अकाउंट को कैसे कंप्लीट ओपन करेंगे। ये सारी चीजें हमने इस वीडियो में कंप्लीट FTP by FTP करके बताया है, और गाइज लास्ट में मैंने इस अकाउंट को भी ओपन करके दिखाया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो में लास्ट तक बने रहें, नहीं तो गाइज यहाँ पे एक भी FTP को मिस कीजिएगा तो आपको IDBI बैंक के साथ अकाउंट ओपन करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो गाइज चलिए वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें पहली बार देख रहे हैं, पहली बार सुन रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। तो गाइज चलिए वीडियो को चेकआउट कर लेते हैं। IDBI बैंक में अकाउंट ओपन करने के लिए सबसे पहले आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग की लिंक मिलेगी। दोस्तों, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप जो है IDBI बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, जहां से आपको अपनी अकाउंट को ओपन करने की जर्नी स्टार्ट होती है। यहां पे आने के बाद फाइनल गाइज आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। गाइज यहां पे आपको एक अकाउंट की ऑप्शन मिलेगी। यहां पे अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहां पे आपको फर्स्ट नंबर पे सेविंग अकाउंट की ऑप्शन मिलेगी, और गाइज यहां पे आप देख सकते हैं IDBI बैंक जितने भी प्रकार की सेविंग अकाउंट प्रोवाइड करती है यहां पे आपको देखने को मिल जाती है। बट गाइज हमें माइनर के लिए अकाउंट ओपन करना है जिनकी उम्र जो है 18 साल से कम है, और गाइज ये अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन हो। तो यहाँ पे गाइज IDBI बैंक ने माइनर के लिए स्पेशल एक अकाउंट बनाई है जिसका नाम है पावर किड्स अकाउंट। फाइनली गाइज माइनर इस अकाउंट को बहुत ही आसानी से ओपन कर सकते हैं, और ये अकाउंट जो है बिल्कुल जीरो बैलेंस के साथ ओपन होती है। तो आप इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे पावर किड्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, जैसे ही पावर किड्स अकाउंट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होती है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन दिखता है। फाइनली गाइज यहाँ पे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आप जो है इस अकाउंट को डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। बट गाइज किसी भी अकाउंट को ओपन करने से पहले उसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जान लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे गाइज यहाँ पे बताया गया है IDBI बैंक के कुछ फ्यूचर्स के बारे में, बेनिफिट के बारे में। यहाँ पे बताया गया कि आपको अपने अकाउंट में एवरेजली मंथली बैलेंस जो है 500 रुपया मेंटेन करके रखना है। अगर गाइज आप अपने अकाउंट में 500 रुपया मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो यहाँ पे आपसे IDBI बैंक किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं लेती है। यानी कि गाइज आप अपने अकाउंट में 500 रुपया रखें या फिर उससे कम रखें, यहाँ पे आपसे IDBI बैंक किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं लेगी। साथ में गाइज हमने आपको वीडियो की शुरुआत में ही बताया है कि IDBI बैंक में अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको यहाँ पे डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है, और गाइज जो माइनर के लिए IDBI बैंक डेबिट कार्ड प्रोवाइड करेगी उस डेबिट कार्ड से आप जो है एक दिन में 2000 रुपये यहाँ पे कैश विड्रॉल कर सकते हैं। साथ में गाइज आपको इस अकाउंट के साथ एक पर्सनलाइज चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। यहाँ पे आपको फ्री मंथली स्टेटमेंट की फैसिलिटी मिल जाती है, फ्री पासबुक की फैसिलिटी मिल जाती है, जो कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपको बता दिया है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं डिमांड ड्राफ्ट की फैसिलिटी मिल जाती है इस अकाउंट के साथ। साथ में गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इस अकाउंट के साथ आपको फ्री 5 ATM ट्रांजेक्शन मिल जाती है, जिसका यहाँ पे किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी होती है। और भी गाइज यहाँ पे नीचे काफी सारी बेनिफिट की बारे बताई गई है। यहाँ पे गाइज आपको जो है पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर की फैसिलिटी मिल जाती है। उसके बाद से गाइज यहाँ पे डॉक्यूमेंट के बारे में बताया गया है कि आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट को सबमिट करना होता है। गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है,
साथ में गाइस यहाँ पे बताया गया है कि आप जो है स्कूल आईडी कार्ड दे सकते हैं, फोटो दे सकते हैं और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। बट गाइस इतनी सारी डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आपकी अकाउंट जो है सक्सेसफुल ओपन हो जाती है। और गाइस यहाँ पे और भी डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो ये आपकी पेरेंट्स की डॉक्यूमेंट लगेगी, आपके पेरेंट्स के डॉक्यूमेंट के बेसिस पे आपकी अकाउंट ओपन होगी। अब गाइस हम बात करते हैं कि आपको इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। देखिए गाइस आपको इस अकाउंट को ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको जो है इस पेज को स्क्रॉल करके ऊपर आना है। और गाइस यहाँ पे आपको एक अप्लाई नाउ का बटन दिखेगा, फाइनली गाइस यहाँ पे आप अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों जैसे ही अप्लाई नाउ वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगी। गाइस यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है क्लिक हेयर टू स्टार्ट की ऑप्शन मिलती है, फाइनली गाइस यहाँ पे क्लिक हेयर टू स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन पूछी जा रही है कि आप जो है आईडीबीआई बैंक के पहले से कोई कस्टमर है, तो यहाँ पे आप जो है एस वाले बटन पे क्लिक करेंगे, अगर आप नहीं है तो यहाँ पे नो वाले बटन पे क्लिक करेंगे। दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जिनकी अकाउंट जो है आईडीबीआई बैंक में है और गाइस वे अपने बच्चे का अकाउंट जो है आईडीबीआई बैंक में ओपन करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एफ वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। अगर गाइस आपकी आईडीबीआई बैंक से कोई संबंध नहीं है तो यहाँ पे आप जो है नो वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको टाइटल फिल करने की ऑप्शन आती है, फाइनली गाइस आप अपने नाम के आगे मिस्टर मिसेज जो भी टाइटल लगाते हैं फाइनली गाइस यहाँ से आप अपनी टाइटल फिल कर लेंगे। टाइटल फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपनी नेम फिल करना है, जैसे यहाँ पे आप अपनी फर्स्ट नेम फिल करेंगे, यहाँ पे आप अपनी लास्ट नेम फिल करेंगे, आपकी आधार कार्ड में जो भी नेम होगी यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट नेम फिल करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको एज लिमिट फिल करने की ऑप्शन आती है, तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप एज वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। और गाइस यहाँ पे एक साल से लेकर के 17 साल के बीच में आपको एक ऑप्शन मिलती है, फाइनली गाइस आप उसे सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपने मोबाइल नंबर फिल करने की ऑप्शन आती है। दोस्तों आप अपनी अकाउंट के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक करना चाहते हैं फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट 10 डिजिट की मोबाइल नंबर फिल करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी फिल करना होता है। गाइस यहाँ पे आप जो ईमेल आईडी फिल करेंगे उसी ईमेल आईडी पे आपकी बैंक की एफ स्टेटमेंट ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको प्रेफर्ड कॉन्टैक्ट टाइम की ऑप्शन मिलती है, यहाँ पे गाइस आप कब फ्री रहते हैं उस टाइम को यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। तो फाइनली गाइस यहाँ पे आप अपने टाइम को सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे गाइस मैं 2 बजे से लेकर के 4 बजे तक शाम में फ्री रहता हूँ, तो यहाँ पे हम जो है 2 बजे से लेकर के 4 बजे यहाँ पे आप अपनी टाइमिंग सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको अपनी ब्रांच सिलेक्ट करने की ऑप्शन आती है, फाइनली गाइस यहाँ से सबसे पहले हम अपनी एस्टेट सिलेक्ट करेंगे। गाइस यहाँ पे आप जिस भी एस्टेट से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आप अपनी कंप्लीट एस्टेट सिलेक्ट करेंगे। एस्टेट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट सिटी की ऑप्शन मिलती है, गाइज आपके एस्टेट में जितनी सारी सिटी होगी यहाँ से आप अपनी कंप्लीट सिटी चूज करेंगे। दोस्तों आप जैसे ही आप अपनी सिटी चूज कर लेते हैं उसके बाद यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच की ऑप्शन मिलती है, फाइनली गाइज यहाँ पे सिलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपकी सिटी में जितनी सारी ब्रांचेज होगी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाती है, यहाँ पे कंप्लीट गाइज आप अपनी ब्रांचेज सिलेक्ट करेंगे। अब गाइज यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट रिक्वायर्ड का, यहाँ पे गाइज आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फाइनली गाइस यहाँ पे हमें माइनर के लिए अकाउंट ओपन करना है, तो हमें जो है इस पेज को एक्सप्लोर करेंगे, यहाँ पे आप जो है पावर किड्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पे आपको एक कैप्चा कोड दिख रहा होगा, फाइनली गाइस इस कैप्चा कोड को आपको जो है इस बॉक्स में सेम टू सेम फिल कर देना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद यहाँ पे आईडीबीआई बैंक की कुछ टर्म एंड कंडीशन होती है जिसको आपको इस बॉक्स में टिक करके यहाँ पे एक्सेप्ट करनी होती है, तो दोस्तों यहाँ पे आप जो है इनकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे। अपनी सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद यहाँ पे गाइज आपको एक सबमिट का बटन दिखेगा, फाइनली गाइज यहाँ पे आप सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देंगे। दोस्तों जैसे ही आप अपनी पूरी डिटेल्स को फिल करके और यहाँ पे सबमिट वाले बटन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी जो भी रिक्वेस्ट है आपकी जो भी डिटेल्स है उसे आईडीबीआई बैंक के पास सबमिट कर दिया जाता है। यहाँ पे गाइज आप देख सकते हैं थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन आईडीबीआई बैंक पावर किड्स अकाउंट, यानी कि गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपकी जो भी एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट कर दिया गया है। अब गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं आवर कस्टमर केयर रिप्रेजेंटेटिव विल गेट इन टच विथ यू शॉर्टली, यानी कि गाइज यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईडीबीआई बैंक की जो भी एग्जीक्यूटिव है जो भी यहाँ पे सेल्फ डिपार्टमेंट होंगे वे आपको यहाँ पे कॉल बैक कर लेंगे। और गाइस जब आप उस कॉल के साथ कनेक्ट होंगे यहाँ पे आपसे कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछी जाएगी, उसके बाद आपकी डिटेल्स को वेरीफाई किया जाएगा। और गाइस यहाँ पे आपसे कम्युनिकेशन एड्रेस पूछी जाएगी, जैसे ही अपनी कम्युनिकेशन एड्रेस को उनके साथ शेयर करेंगे अगर आपकी कम्युनिकेशन एड्रेस पे डोर स्टेप की फैसिलिटी उपलब्ध होगी तो आईडीबीआई बैंक की जो भी सेल्फ डिपार्टमेंट होंगे वे आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पे आके यानी आपके घर पे आके आपकी अकाउंट की फुल केवाईसी करके आपकी अकाउंट जो है कम्प्लीट ओपन कर देंगे। बट गाइस आपको इसका चार्जेस कुछ अलग से पे करना होता है, लेकिन दोस्तों अगर आपकी एरिया में डोर स्टेप की फैसिलिटी उपलब्ध नहीं है, आप जो है विलेज साइड से है और उस जगह पे आईडीबीआई बैंक जो है डोर स्टेप की फैसिलिटी नहीं देती है,
तो उस कंडीशन में आपको जो है ब्रांच विजिट करना होगा। और गाइज यहाँ पे आपने जो भी टाइमिंग सिलेक्ट किया है उस टाइमिंग में आपको जो है ब्रांच विजिट करनी होगी अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, साथ में आपको अपने पेरेंट्स को लेकर के। और गाइज वहाँ पे आपको अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करानी होगी। और गाइज आपकी डॉक्यूमेंट की वेरीफाई जैसे ही हो जाती है उसके बाद आपकी अकाउंट को जो है कम्प्लीट ओपन कर दिया जाता है। गाइज आपकी अकाउंट जैसे ही ओपन होगी वहाँ पे आपको एक वेलकम किट मिलेगी। और गाइज IDBI बैंक ने अपने माइनर कस्टमर के लिए जितनी सारी फैसिलिटी रखी होगी वे सारी फैसिलिटी आपको जो है उस वेलकम किट के अंदर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों यही प्रोसेस जो है IDBI बैंक ने रखी हुई है, इसी प्रोसेस को फॉलो करके आप जो है IDBI बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, यानी कि आप अपने अकाउंट को ओपन करा सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि वीडियो में दी हुई इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल साबित हुआ होगा। अगर कहीं वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर उस पर कमेंट कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जहां पे बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोज आपके लिए रेगुलर लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों एक चीज और कि अगर आपको इस अकाउंट को ओपन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो फाइनली आप मुझे पर्सनली कमेंट कर सकते हैं, मैं यहां से इंस्टेंट रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा।